अभी हम लोग देखते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट, तो टाटा मोटर्स में देखते हैं मार्केट का ये स्विंग मार्क कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट कैप अप ओपन होकर अच्छा खासा रैली दिखाया था, यहाँ पर उसी के आसपास से मार्केट एकदम यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर सबसे मोमेंटम दिया है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो मार्केट यहाँ पे कैसे मोमेंटम दिया है, एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम दिया है, जैसे कि ये लो बनाया, थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया, लेकिन एक लो बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्विंग को हम लोग पकड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए रिजेक्शन मिला मार्केट में, अगर हम लोग कोई लेना है तो ये देखिए इस लेवल को, इस लेवल को हम लोग मार करेंगे, इसके ऊपर निकल जाता है तो मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। इसके नीचे आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अगर इसके नीचे आ जाता है तो हायर प्रोबेबिलिटी इस शेयर का हो जाएगा कि शॉर्ट साइड बहुत ही अच्छा खासा मतलब देखने को मिलेगा, तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग साइड भी कर रहे हैं तो थोड़ा वहाँ से कॉम्प्रोमाइज लेना पड़ेगा, मार्केट मोमेंटम देने वाला है या थोड़ा स्लो स्टडी मोमेंटम देगा। लेकिन अगर शॉर्ट आ जाता है अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, बहुत तुरंत पीक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए हम लोग अगर हायर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो शॉर्ट साइड का ज्यादा दिखा रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे अगर हम शॉर्ट का थोड़ा भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर अच्छा खासा फिक्स प्रोबेबिलिटी दे रहा है और अगर कंफर्मेशन मिल जाए तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट करेंगे जरूर। लॉन्ग के लिए हम लोग थोड़ा प्राइजेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, अगर ब्रेकआउट मिलते हैं हम लोग यहाँ पे।